गन्नीपुर कलमबाग चौक स्थित श्री श्री श्यामा काली मंदिर में बंगाली रीति रिवाज से मां काली की प्रसिद्ध धुलुची आरती कर भव्य पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर मां का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के दूर दराज क्षेत्रों से महिला व पुरुष श्रद्धालु आकर बंगाली विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना किए। इस धार्मिक कार्यक्रम में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ लोग शामिल हुए। वहीं बंगाल की अलग अलग झांकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं आरती के पश्चात लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस प्रकार 26 अक्टूबर को संध्या होने पर मंदिर परिसर में प्रसाद व महाभोग का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 27 अक्टूबर को माता का जागरण होगा, इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधान पुरोहित भरत चक्रवर्ती, वंश चक्रवर्ती, मिंटू कुमार, शशि साहा, आनंद कुमार साहा, रामकृष्ण पाल, सुमित कुमार छोटू, मोहित चक्रवर्ती, रोहित वर्मन, आकाश सिंह, नारायण सिकदार, प्रशांत वैशाख, विकास सिंह, शमी सिकदार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। काली मंगला काली भद्रकाली कपालुनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाधा नमस्तुते नमः। नमस्कार। आज जो है आज शाम में 7:30 बजे से मंदिर प्रांगण में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित होंगे और एक साथ बैठकर, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, एक साथ बैठ के सब आदमी माँ का भंडारा का भोजन ग्रहण करेंगे। और ये कार्यक्रम आज हमारा ये तीसरा दिन है और कल शाम को ठीक 7 बजे 27 तारीख को भव्य जागरण का आयोजन किया गया है। हमारी पूजा कमेटी की ओर से सब परिवार आज भंडारे में और कल जागरण में सादर आमंत्रित है। ये पूजा जो हम लोग कर रहे हैं, आज इस साल 62वां पूजन उत्सव है और ये पूजन उत्सव तमाम भक्तों के सहयोग से और हमारे पूजा कमेटी के सहयोग से ही सफल हो सका है। इसके लिए हमारी पूजा कमेटी और तमाम जो भक्तगण है सभी के सहयोग से होगा। इसलिए हमारे तरफ से तहे दिल से सबको धन्यवाद देते हैं कि माँ को सबको सद्बुद्धि दे और माँ सबके घर में सुख समृद्धि दे और अच्छा रहे। शाम को भंडारा है, माँ का भंडारा है, जो भव्य भंडारा होता है और सारे मोहल्ला वासी से लेके बाहर का लोगों का यहाँ भक्तजनों आते हैं, ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़, जेड न्यूज़ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।